पैसे दे के भी इंतजार करना पड़ रहा है कि अब आएगा अब आएगा। हाँ तुम्हारी जी एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया जी, इतना तो ना महीना महीना इंतजार करते हैं। दोस्तों ओला एस वन एयर और ओला एस वन प्रो जेनरेशन 2 की डिलीवरी कुछ ज्यादा ही डिले चल रही है। आपने भी अगर एयर या प्रो बुक किया है तो हो सकता है आपकी भी डिलीवरी डेट 2-3 बार तो चेंज हो गई होगी और कस्टमर केयर में कॉल लग नहीं रही है। ट्वीट और मेल का रिप्लाई ऑटोमेटेड ही देता है ओला। काफी कोशिशों के बाद हमारे एक सब्सक्राइबर और व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर सूरज जायसवाल जी का कॉल कस्टमर केयर में लग जाता है, जो कि हरियाणा पानीपत से है। उनकी और कस्टमर केयर की कन्वर्सेशन हुई है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में आगे सुनाने वाला हूँ, जिससे होपफुली हो सकता है कि आपके भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, क्योंकि 90% लोगों का प्रॉब्लम सेम है। अच्छा उससे पहले अगर आपने अभी तक हम लोगों का डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग मिल के एक दूसरे का प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके। तो आइए अब सुनते हैं कस्टमर केयर का रिकॉर्डिंग। हेलो सॉरी सर, आपकी कॉल वेट पर रहने के लिए। सर आपने जो है दैट इज स्कूटर ऑर्डर किया था राइट, दैट इज ओला एस वन प्रो सेकंड जेन व्हाइट कलर। आपने 3rd September को ऑर्डर किया था और आपको एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो है 23rd October शो कर रहा है और आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके ऑर्डर स्टेटस दिखा रहा है राइट। हाँ जी 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 सर, माफी चाहती हूँ सर, अभी तक आपको जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल नहीं आया है सर। हाँ जी अभी आया नहीं कॉल जी सर, माफी चाहती हूँ सर, आपको बहुत डिले हुआ। मैं रेंटर अभी आपका डिटेल यहाँ पे एस्केलेट कर देती हूँ, अभी तक आपको कॉल बैक नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए और आपको बहुत डिले हो रहा है स्कूटर के रिगार्डिंग करके। मैम पता है क्या, किसी किसी के जी मेरी बात सुनो, किसी किसी का ना 2-4 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जा रहा है, आज जो मेरा है जी वो अभी बहुत टाइम लगा आने में, यानी दिक्कत क्या आ गई है। जी सर आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाइड हुआ है, नेक्स्ट आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल आ जाएगा। ओके आप वेट कर लीजिए सर, जरूर आपको कॉल बैक। मैम कब तक कॉल आ जाएगा जी बताओ जी, इस सब डे मैम इतना मेरी बात सुनो, इतने पैसे देने होते मैं दूसरे को जाकर दे नहीं लेता, चेतक हो गया जी और स्प्लेंडर हो गया, काफी सारी इलेक्ट्रिक बाइक भी आजकल आ गई है मैम, ऐसा थोड़ा चलता है। अगला बंदा पैसे दे के भी इंतजार करना पड़ रहा है कि अब आएगा। हाँ तुम्हारी जी एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया जी, इतना थोड़ा महीना महीना इंतजार करते हैं। मैम कितना वेट करना पड़ेगा आप बताओ सर, मैं टाइम नहीं बता सकती सर, अभी एस्केलेट किया है तो जरूर नहीं। मैम आप एक बताओ तो आपकी तरफ से मतलब कितना टाइम लग सकता है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना कितना टाइम लग सकता है जी आपके? महीना नहीं बता रही सर, आपको जो है अभी एस्केलेट किया है ठीक है, आपको कॉल बैक करें जो हो जाएगा हमारे टीम से ठीक है, वेट कर लीजिए। मैम कितना वेट करना पड़ेगा, 1 मंथ हो चुका जो, और कितना वेट करूँ बताओ आप खुद बताओ जी। मैम आप मान लो आप एक तरफ से कोई सामान ले रहे हो ठीक है, आपने पैसे दे दिया, उस सामान आपको मिलेगा नहीं तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ तो मैं कहती एक इतने में जी, मैम मेरी बात सुनो, इतने में ना एक क्या नाम है इसका स्विफ्ट सॉफ्ट की डिलीवरी हो जाती है, गाड़ी गुड़ी हम लेने जाते हैं एक मंथ पहले पहले डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो ओला है आज एक मंथ होने वाले हैं अभी तक डिलीवर हो ही नहीं गए। चलो कोई नहीं, देखते हैं आपको कितना टाइम लगता है आपके लिए, 1 मंथ हो चुका है, देखते क्या टाइम लगता है। मैम मतलब आप कुछ बता दें क्या, मतलब क्या दिक्कत क्या आ गई, मतलब डिस्पैचिंग में दिक्कत आ गई, कुछ तो दिक्कत हो तभी तो लेट होगा आपको। डिस्पैच तो हुआ ही नहीं है, आप बोलो डिस्पैच हो गया,
ऐप में रिगार्डिंग अभी ऑर्डर स्टेटस जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके स्टेटस दिखा रहा है, डिस्पैच हो गया तो आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे एंड से अभी आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिले हो रहा है और आपको चाहिए करके मेरे एंड से अभी आपका डिटेल जो है ऑलरेडी स्क्रीन पर दी हूँ।